कानपुर कमिश्नर के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान में वाहन चेकिंग के दौरान थाना बर्रा पुलिस ने दो युवकों को संदिग्ध देकर उनकी बाइक रुकवाई और जांच की तो पता चला कि बाइक चोरी की है। पुलिस ने उन दोनों युवकों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों युवकों ने 6 बाइकों की चोरी कबूल कर ली। थाना पुलिस ने दोनों बाइक चोरी की निशानदेही पर 6 चोरी की बाइकों को बरामद कर लिया। बाइक चोर अमन वाजपेयी और अमन झा ने 5 बाइक अपने परिचितों को सस्ते में बेच दी थी और 1 चोरी की बाइक वो खुद चला रहे थे। डीसीपी साउथ ने पूरा घटनाक्रम बताते हुए दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की बात कही है और लगातार बाइक चोरों से और भी पूछताछ करने की बात कही है कि कहीं इनके गैंग में और अन्य बाइक चोर तो नहीं है। देखिए, थाना बर्रा को एक सफलता प्राप्त हुई है। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जो अमन करके अमन वाजपेयी है, जब इसको रोका गया तो इसके पास से बाइक चोरी की मिली है और जब इससे और पूछताछ की गई तो इसका एक साथी अमन झा, जो ये दोनों ही बर्रा क्षेत्र के रहने वाले हैं। अमन वाजपेयी पहले भी एक मुकदमे में घर की चोरी में, जिसमें 2 अभी पहले जेल जा चुके, उसमें ही वांछित था। इनके पास से 6 बाइकें बरामद हुई हैं, जिसमें से 1 कल्याणपुर की में चोरी हुई है जो रजिस्टर्ड है और 2 बर्रा में रजिस्टर्ड है और बाकी 3 बाइकें भी हैं वो भी रजिस्टर्ड हैं लेकिन वो कानपुर में से कानपुर के बाहर की हैं। तो हम 6 बाइकें ये बरामद हुई हैं, 6 पे ही मुकदमे लिखे गए हैं और इन लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। देखते हैं अगर इनके और भी कोई गैंग के मेंबर होंगे तो उनको भी तलाशा जाएगा। कानपुर के बाहर भी लोग जी बिल्कुल 3 जो 6 बाइकें बरामद हुई हैं वो अभी रिसेंट की हैं और हम कोशिश करेंगे इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पर भी लेके और भी गहनता से पूछताछ करें ताकि इनके जो गैंग के मेंबर है वो निकल के आए और भी अगर इन्होंने चोरियाँ की होंगी तो वो भी हम लोग इसका खुलासा करें। देखिए अभी तक तो ये 6 बाइकें इन्होंने अपने अपने नोन को बेची है, ऐसा नहीं है अभी कटवाने वाली बात तो इन्होंने नहीं कबूली है, बट ये कि बाइकें चोरी करके सस्ते दामों में और भी दूसरे जो जिनको जरूरत होती तो उनको बेचने की बात प्रकाश में आई है। सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।